श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन मेरठ, और आज हमें सील कुंज 398 में ये टोटल विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है विनय कुमार जी का कंस्ट्रक्शन है जो 398 सील कुंज के अंदर श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन ने की है। इसका आप टोटल का एलिवेशन देख सकते हैं किस तरह का एलिवेशन है। हमने रस्टिक किया है और इसी पे हमने अप डाउन लाइटों का प्रोविजन इस पूरी वॉल पे रस्टिक के साथ इस साइड पे दिया है। ये 30 फुट फ्रंट और 60 फुट बैक की वॉल है। इस कंस्ट्रक्शन का फ्रंट में हमने एचपीएल यूज किया है और एचपीएल के साथ साथ हमने ये पूरा रस्टिक का काम साइड पे किया है। लेफ्ट साइड में फिर हमने अप डाउन लाइट दे दी है। फ्रंट पे हमने स्टील 304 जिंदल में और 10 mm टफन ग्लास इस पे लगाया है। बीच में हमने WPC की कटिंग में जाली यहाँ पे दी। अब हम आ जाते हैं कार पार्किंग के अंदर। कार पार्किंग में पूरे हमने ग्रेनाइट लगाया है। टोटल पल्ला सागवान, जाली का पल्ला पूरा सागवान, तो इस पे PU पॉलिश करके दी। जितने लोग हैं इसमें हम हरिचंद कंपनी के लोग लगा के दे रहे हैं। अंदर एंटर करते हैं, देखिए कितनी प्यारी इसमें सागवान की विंडो, PU पॉलिश, इसमें हमारा सैंड गोविंद का रिफ्लेक्टिंग ग्लास। इसी के साथ एंट्रेंस पर हमने शू रैक का प्रोविजन यहाँ पे दिया। एक कार पार्किंग का अच्छा लुक देने के लिए हमने अप डाउन लाइट का भी प्रोविजन इस साइड में दिया है। इस पर पूरी सीलिंग में हमने PVC पैनल का वर्क किया। एंटर होते ही शानदार कटनी, कटनी के रेशे, फ्रंट पे रस्टिक, ऊपर जूमर, जूमर के साथ साथ हमने WPC की कटिंग, कटिंग के साथ कितना प्यारा कॉम्बिनेशन हमने पेंट में इस 398 सीक्वेंस में करके दिया है। नीचे आप कटनी का लुक देख सकते हैं, कटनी के कितने प्यारे ऐसे यहाँ पे आए हैं। इसी लोबी की लुक देने के लिए हमने यहाँ पे मंदिर में लेजर कटिंग लगा ली। नीचे पूरा ये बुलंद में हमने इस पर माइका लगाई है जो एक टोटल काम प्लाईवुड में किया गया है। इसी के साथ यहाँ LG पैनल, स्टोरेज के लिए जीने के नीचे हमने पूरा अलमारी दी है। इसी के साथ साथ ये हमने ड्राइंग रूम में पूरा ओडन वर्क किया है। ड्राइंग रूम के साथ हमने एक छोटी सी कॉमन वॉश बेसिन दी है। फिटिंग इसमें जेलवा ग्रेविटी की हम इसमें कोटिंग लगा के दे रहे हैं। इसी के साथ हमारी किचन आ जाती है, टोटल मॉडुलर किचन। टोटल काम शाम का कंस्ट्रक्शन द्वारा मेरठ सिल्कों के अंदर ये किया गया है। गोल्डन गैलेक्सी ग्रेनाइट, यदि हम किचन की बात करें तो किचन में गोल्डन गैलेक्सी ग्रेनाइट लगाया है। PVC की इसमें हमने माइका लगाई है। जितनी टोटल फिटिंग है ये सब हमने गारंटी की है। जितनी हमारी ये हमारी टोटल मॉडुलर किचन, इसमें हमने पाइप बास्केट लगा के इस साइड पे दी। सीलिंग की बात करें फिर इसमें PVC पैनलिंग हमने वर्क दिया है। अंदर एंटर करते हैं, ये हमारा जाता है बेडरूम। बेडरूम के नीचे आप हरिद्वार कटनी देख सकते हैं। कटनी के साथ हमने बेडरूम का सागवान का पल्ला, पूरा ये सागवान का पल्ला इस पर PU पॉलिश करके दी है। हरिशन का लोग इसमें दिया है। इसी रूम के अंदर एक टीवी कैबिनेट के साथ ये पूरी दीवार पे हमने अलमारी इसमें दी है। जितने स्विच सॉकेट है इसमें हैलन से लगा के दे रहे हैं। इस रूम के साथ हमारा अटैच आ जाता है लेड बार। इसमें हमने काउंटर वॉश बेसिन दिया है, हैवी इसमें मिरर दिया है। इसी के साथ हमारा ये वॉल हैंगिंग शेड विद कंसील्ड सिस्टम और इसमें 4x2 की टाइल्स विद ग्रुपिंग हमने इस साइड पे लगाई है। बैक साइड में वॉशिंग एरिया आता है। वॉशिंग एरिया में हमने नॉर्मल जैसे हर साइड पे लगाते हैं 4x2 की टाइल्स, और टाइल्स के साथ पीछे हमने 2 वॉशिंग मशीन के प्रोविजन इसके अंदर दिए हैं। हैवेल्स के स्विच सॉकेट, बाकी अलार्म हमने इस साइड पे लगा के दिया है। इसी के साथ हमारी एंट्री हो जाती है सेकेंड रूम में। इस पूरे रूम में क्रीम कलर आते हैं। इसी के साथ हमारे बेड का प्रोविजन, बेड के पीछे दोनों लाइट का प्रोविजन, पूरी अलमारी, अलमारी के साथ इस पर हमने टीवी कैबिनेट, सेम सागवान का पल्ला PU पॉलिश, पूरी फॉल सीलिंग बेडरूम के अंदर। इसी से अटैच हमारा आ जाता है ड्रेसिंग। इस ड्रेसिंग में पूरी हमने इसकी अलमारी बनाई है। इसी के साथ हमारा अटैच लैट्रिन बाथरूम। लैट्रिन बाथरूम में सेम प्रोविजन, वॉल हैंगिंग शेड विद कंसील्ड सिस्टम, जगुआर डाइवर्टर और एक ये सिंगल स्पाउट और वॉश बेसिन इसी के अंदर।
एक छोटा सा कैबिनेट बाथरूम के अंदर हमने ये भी बनाया है। हमारा ड्राइंग रूम की डायमेंशन 12x20, पूरे ड्राइंग रूम में पूरी हैवी फॉल सीलिंग, 3 लेयर में फॉल सीलिंग, एक बड़ी विंडो 7x8 की विंडो, और एक टोटल सोफा सेट श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन द्वारा बना के दिया गया है 398 चील पंच में। अब हम चलते हैं ऊपर स्टेज पे, आप देख सकते हैं झूमर की कितनी बढ़िया यहाँ पे लुक आ रही है। टोटल दीवार का रस्टिक भी टोटल डिजाइन में डाला है, मेटेलिक इसमें हमने टोटल का पेंट किया है, ऊपर पूरी है मेजर हमारी लोगी आ जाती है जिसमें हमने अप डाउन में पाइप दिया है 2x2 का जिंदल का, 10 mm का हमने इसमें ग्लास लगाया है, और ये पूरी लोगी है। इसके बीच में हमने एक कैबिनेट दिया है ब्लैंकेट रखने के लिए, ये हैवी अलमारी है, इनकी गहराई लगभग 3 फीट PVC पाइप का। इसी के साथ हम आ जाते हैं स्टडी रूम में, फ्रंट में हमने स्टडी रूम बनाया है जिसकी डायमेंशन 14x16 है। इसी के साथ हमने स्टडी रूम में अलमारी बनाई है राइट साइड में, अलमारी के साथ हमने स्टडी टेबल बनाया है। स्टडी टेबल में यहाँ हमारी बुक सेल्फ आ जाती है, बुक सेल्फ के साथ साथ हमारी ये कैबिनेट्स है। इस स्टडी रूम के साथ हमने ड्रेसिंग कम बाथरूम किया है, ये पूरी ड्रेसिंग आ जाती है, और ड्रेसिंग के साथ हमारा ये पूरा बाथरूम आ जाता है। सेम पैटर्न जैसे नीचे दिया है, 4x2 की टाइल्स, वॉल हैंगिंग शीट विद कंसील सिस्टम, जगुआर का डाइवर्टर, और इसके साथ हमारा स्पाउट। अब आ जाता है फ्रंट बालकनी में, पूरी हैवी बालकनी, टोटल पे पीवीसी पैनलिंग का वर्क, पीवीसी पैनलिंग का वर्क अप डाउन लाइट, और पूरे बालकनी में हमने कटनी पत्थर लगा के दिया है। जितने हमारी MCB हैं सब ये हैवेल्स की लगाएंगे, टोटल MCB हम साइड पे हैवेल्स कंपनी की लगा के देते हैं। अब लोग लेट पंखा छत भी ले जाओ, इस रूम में हमने पिंक कलर का पेंट, ऊपर इसकी हैवी फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग के साथ एक स्टडी टेबल और बुक सेल्फ्स, यहीं पे हमारी बैक साइड में एक विंडो है, पूरी दीवार में यहाँ पे अलमारी दी है हमने, और इसी के अंदर हमारी ड्रेसिंग कम लैट्रिन बाथरूम जो हम यहाँ साइड पे दे रहे हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग और ये पूरा बाथरूम। अब आप डबल हाइट लैंटर लोबी में देख सकते हैं कि किस तरह का कटनी लगा है, किस तरह पार्टीशन हुआ है, किस तरह ये झूमर लगा है, और किस तरह ये रस्टिक का लुक पूरी दीवार का हमारी इस सेल्फोस 398 पे जो इसका लुक आ रहा है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अटूट लुक हमने इस साइड पे श्याम कृपा कंस्ट्रक्शन में इस साइड पे टोटल पे दिया है। थैंक यू।